हत्या की घटना के अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 19 दिसंबर को सुबह 5 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गलिया थाना राड में पिता ने पुत्र की हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना राड पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक हिमांशु उर्फ रोहित राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत उम्र 7 वर्ष का शव उसके मामा सतीश पुत्र रामपाल के पशुवाड़े में मिला। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतक की मां सर्वेश कुमारी अपने मायके ग्राम गलिया में रहती है। वह मृतक अपने मामा के लड़के के कुआ पूजन के कार्यक्रम में आया था। मृतक के ननिहाल वालों ने बताया कि उसका पिता सुरेश राजपूत पुत्र टेकचंद्र ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी है। मायके पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मृतक के पिता एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 570-20 धारा 364 302 201 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्र अधिकारी राठ व प्रभारी निरीक्षक राठ को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में साक्ष्य संकलन व पूछताछ कर घटना की सही जानकारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त घटना की विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों से पूछताछ से प्रकाश में आया कि रोहित उर्फ हिमांशु उपरोक्त की हत्या उसकी माता सर्वेश कुमारी पत्नी सुरेश कुमार राजपूत द्वारा की गई थी। उसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया। पूछताछ में सर्वेश कुमारी द्वारा स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने ही अपने पुत्र हिमांशु की गला दबाकर हत्या कर दी है। अच्छा, वो ये खुद बता दिए कुछ बात उधर देखो परिवार। हाँ हाँ जी जी जी, वो गई तो देखा उसका पैर देख लिया। ये थाना राठ क्षेत्र में गलिया गांव में एक 7 वर्ष के बच्चे हिमांशु उर्फ रोहित की डेड बॉडी मिली थी पशुवाड़े में, जिसके पास बाद पुलिस को सूचना दिया गया। उसके घर में वाले बताए, मतलब वो ननिहाल गया था, तो उसके घर वाले बताए ननिहाल वाले कि इसके पिता ने कि इसकी हत्या कर दिया और शाम को देखा गया था और शराब पिए था, उसने गला दबाकर हत्या कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने FIR लिखाया बच्चे के पिता के खिलाफ। उस FIR के आधार पर विवेचना जब होने लगी तो जांच के समय आया कि वो तो गया ही नहीं था वहाँ। कुछ लोगों से काफ़ी लोगों से पूछताछ की और गहराई से जब विवेचना हुआ, उसमें पता चला कि इस बच्चे की माँ का उसके रिश्तेदार के साथ कुछ संबंध है। वह संबंध इस चक्कर में पति पत्नी दोनों में विवाद होता रहता था, तो बच्चे ने कुछ आपत्तिजनक स्थिति में उसके बाद देख लिया था उसको चक्कर में, उसे हटाने के लिए रास्ते से तो रास्ते से हटा देंगे, पति को पर आरोप लगा देंगे, पति जेल चला जाएगा, बच्चा भी रास्ते से हट जाएगा, फिर मेरा संबंध जो भी है बरकरार रहेगा। ये इनकी इच्छा थी, जमीन जायदाद भी मिल जाएगी, तो इस चक्कर में इन्होंने ये प्लान किया। घर वालों को बता दिया, जैसे ही बच्चे की डेड बॉडी मिली तो करे कि वो वहाँ वाला मवई वाला मार के गया, मवई वाला मार दिया, गला दबा के मार दिया। तो इनको पहले से ही आइडिया था कि गला दबा के मार दिया, डेड बॉडी पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि इतना स्पष्ट जाना जा सके कि गला दबा के। आरोपी महिला को पकड़ा, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है, बताया उसने कि उसने गला दबा के मारा, फिर गर्दन पर उसने पैर से भी दबाया कर रहा बच्चे को। कंप्लीट जब सुनिश्चित हो गया कि वो डेथ हो गई है उसकी, तो वहाँ पर जो अरहर के होते हैं लकड़ी उसी के पीछे